हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर स्टडिंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल भटनागर। आज के इस वीडियो में हम अपना बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से समझें। स्टूडेंट्स, बहुत आसान चैप्टर है। एक दफ़े आपको समझ में आ गया तो आप विद इन 5 मिनट्स एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दोगे। 5 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगने चाहिए, अगर बेस समझ में आ गया है तो। बेस नहीं समझ में आया और अगर आपने कहीं गलत एंट्री कर दी फिर आपके नंबर कटेंगे। तो इसलिए हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों फेवरेबल बैलेंस, उसको लेके चले हैं हम। फेवरेबल बैलेंस को आज हम लेके चलेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक भी लेंगे, एक एग्जाम्पल उसका लेंगे और फिर एक एग्जाम्पल लेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो उस सब क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको कैश बुक, बैंक कॉलम और बैंक की पासबुक, इनके फिर से रूल रिवाइज करवा देता हूँ। ये मैंने लिखे हुए हैं, पहले से रब नहीं किए हैं इसको। बैंक कॉलम कैश बुक हमारा एसेट्स आइटम है। जिस तरह एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं और एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। इसी तरह कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, कैश बुक का हमने कैश कॉलम हटा दिया है, सिर्फ से बैंक कॉलम, वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे और अगर डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ मींस हमने पेमेंट्स करी हैं या विड्रॉ किया है, हमने बैंक से विड्रॉ किया है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अगर इंक्रीज़ बैलेंस होता है तो हम उसको फेवरेबल बैलेंस में बोल सकते हैं। आपको हो सकता है दिया जाए बैलेंस फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप समझ जाइएगा कि वो डेबिट बैलेंस है। इट मीन्स डेबिट बैलेंस मीन्स हमारी कैश बुक के हिसाब से दिस मच ऑफ अमाउंट इज़ अवेलेबल इन अवर बैंक अकाउंट। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो लिखेंगे अनफेवरेबल बैलेंस, मीन्स हमारी पेमेंट्स ज़्यादा हैं और रिसिप्ट्स कम हैं। और इधर आप आइए बैंक पासबुक की तरफ। बैंक हमें क्रेडिट कर तब करता है जब हमारे अकाउंट में, हमारे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में कोई मनी डिपॉजिट होती है या कोई चेक अगर डिपॉजिट होता है और वो क्रेडिट होता है हमारे अकाउंट में, तो क्रेडिट मीन्स दिस मच ऑफ अमाउंट इज़ अवेलेबल फॉर अस टू यूज़, वी कैन स्पेंड दिस मच ऑफ अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट, जो हमने अमाउंट स्पेंड कर दिया, हमारे एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारे डेबिट साइड। ये हमारी बैंक पासबुक है और ये हमारी कैश बुक है। आज जो हम इलस्ट्रेशन करेंगे वो हम करेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे। सबसे पहले मैं आपको ओवरड्राफ्ट का भी मतलब बता दूँ, ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है। द ओवरड्राफ्ट मीन्स द अमाउंट विच यू हैव स्पेंट इज मोर देन द अमाउंट विच यू हैव इन योर बैंक अकाउंट। मीन्स आपके बैंक अकाउंट में पैसे तो कम है लेकिन आपने उससे ज़्यादा खर्च कर दिया। तो ऐसे तो बैंक अलाउ नहीं करता, लेकिन बैंक के साथ कुछ एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं कि आपको कितना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए। मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000, कितनी भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए तो बैंक उसको परमिट करेगा आपको, लेकिन बैंक इसके लिए आपसे कुछ चार्जेस लेगा और एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाता है कि जो भी आपने एक्सेस अमाउंट यूज़ किया है, मतलब आपके अकाउंट से ज़्यादा जो यूज़ किया है, विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम आपको वो जमा करने हैं पैसे बैंक में, अदरवाइज़ बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकता है। तो ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब हुआ? द अमाउंट यू स्पेंड इज़ मोर देन द अमाउंट यू हैव इन योर बैंक अकाउंट। अगर हमारी कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो इट मीन्स ओवरड्राफ्ट, मतलब पेमेंट साइड ज़्यादा है। ये देखिए रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड ज़्यादा है। अगर बैंक पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो इट मीन्स ओवरड्राफ्ट। तो अब हम ओवरड्राफ्ट के ऊपर इलस्ट्रेशन करेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 16 है TS ग्रेवाल की बुक से, पेज नंबर है 12.25। मैं इसका एक स्क्रीन शॉट आपके वीडियो में लगा दूंगा और इसको मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा जिससे आपको समझ भी आ जाए। समझाऊंगा, फिर हम इसको बोर्ड पे करेंगे, एक एक ट्रांजैक्शन को हम समझेंगे। मैं इलस्ट्रेशन को पढ़ता हूँ। कंपेयरिंग राम्स कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट ऑफ हिज ओवरड्राफ्ट अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018, फाइंड द फॉलोइंग। सबसे पहले आप ये देखो, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है यानी कि क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, और कौन से महीने की है? अप्रैल के महीने की है। तो हमने कौन से DRS कौन सी डेट को बनानी है? 30th अप्रैल
30 अप्रैल की डेट में बनानी है 2018, ठीक है। पहली ट्रांजेक्शन है कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 45,000। कैश बुक ये है मतलब क्रेडिट बैलेंस 45,000 का है, तो आपने यहाँ पे लिखना क्या लिखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखिए, बल्कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है इट मींस हमारी पेमेंट ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो हमारा नेगेटिव बैलेंस हुआ, तो हम इसको माइनस साइड में लिख देंगे 45,000। बस सिर्फ से इतना ही फर्क है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, हमने इसको सिर्फ से माइनस में लिखना है अगर ओवरड्राफ्ट है। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन है ये एग्जैक्टली सेम है जो हम फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक करते हैं, बाकी ट्रांजेक्शन्स में कोई फ़र्क नहीं है। हमने ये देखना है हम किसको लेके चल रहे हैं, कैश बुक को लेके चल रहे हैं, और हमें पहुंचना कहाँ है, बैंक पासबुक की तरफ। कैश बुक से हमारा टारगेट बैंक पासबुक पे होगा। हमें हर ट्रांजेक्शन में ये देखना होगा कि बैंक में इसका क्या असर पड़ा। अगर बैंक पासबुक बढ़ रहा है इससे, यानी कि क्रेडिट हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्लस में लिख देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। अगर उस ट्रांजेक्शन से बैंक बैलेंस कम हो गया तो हम यहाँ इसको हम भी माइनस में लिख देंगे। तो अब देखते हैं इस स्टेटमेंट को, मैं आपको एक एक को समझाऊंगा, पढ़ूंगा समझाऊंगा आपको। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन को। द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडर कास्ट बाय 1500 रुपीज़। ये कह रहा है पेमेंट साइड, ये इसको इस ट्रांजेक्शन में स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, पेमेंट साइड जो है अंडर कास्ट हुई है, मतलब कम टोटल किया, इट साइड का टोटल कम। ये साइड कौन सी है, पेमेंट साइड है, यानी कि माइनस साइड है। टोटल फॉर एग्जांपल 10,000 होना चाहिए था, हमने टोटल कर दिया 8,500। इट मींस हमने कितने से कम किया है, अपनी पेमेंट्स हमने कम दिखाई ना, हमने अपनी पेमेंट्स 1500 रुपीज़ से कम दिखाई है, 1500 रुपीज़ और होने चाहिए थे। द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज़ अंडर कास्ट बाय 1500 रुपीज़। इट मीन्स हमारे पास अवेलेबल बैलेंस कम है, तो आप इसको माइनस में कर दीजिए और यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट साइड, जो क्वेश्चन में है वही लिख दीजिए, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय 1500 रुपीज़। तो हमारे पास कैश अवेलेबल कम हो गया ना, तो हमने अपने आप को माइनस कर लिया खुद ही, ठीक है। यहाँ पे हमें बैंक की पासबुक को देखने की ज़रूरत नहीं है, बैंक की पासबुक का तो बैलेंस छिड़ा ही नहीं इससे। तो थर्ड ट्रांजेक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स। ए चेक फॉर रुपीज़ 7,500 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग अकाउंट हैज़ बीन शोन एज ड्रॉन ऑन हिज करंट अकाउंट। देखिए क्या किया, अब आपको सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का मतलब मालूम है। सेविंग अकाउंट होता है हमारे और आप लोगों के लिए, जो बिजनेस नहीं करते, जो सैलरी वाले हैं उनके होते हैं सेविंग अकाउंट, और जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस करते हैं जिनके पर्पस, जिनका एक दिन में वो 4 बार पैसा निकालें या 10 बार निकालें, उनके लिए होता है करंट अकाउंट। ये बिजनेसमैन्स, बिजनेस फर्म्स ही करंट अकाउंट खोलती हैं, वो सेविंग अकाउंट नहीं खोलेंगे। सेविंग अकाउंट में एक लिमिटेशंस होती है कि आप इतनी ट्रांजेक्शन से ज़्यादा नहीं कर सकते, ये नहीं कि आप दिन में 5 बार आ गए, लेकिन करंट अकाउंट में आप कितनी बार भी आप बैंक से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, क्योंकि करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या है, 7,500 का चेक ड्रॉ किया था सेविंग अकाउंट से, यानी कि उसके पर्सनल अकाउंट के लिए हमने विड्रॉ किए थे, और उसकी एंट्री कर दी कैश बुक में। कैश बुक में तो हम ऑफिशियल ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो उसकी एंट्री कर दी हैज़ बीन शोन एज ड्रॉन ऑन हिज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तो ऑफिस का है, इसका मतलब हमने अपनी पेमेंट साइड को 7,500 रुपये से कम कर लिया। क्यों कम कर लिया भाई, इसको बढ़ाओ, इसको 7,500 से हम इसको बढ़ा देते हैं। ये तो सेविंग अकाउंट से विड्रॉल था, हमने अपनी कैश बुक ऑफिस का तो था ही नहीं, वो तो पर्सनल था, तो
तो हमने इसको बढ़ा दिया और लिख दिया यहाँ पे चेक ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट शोन इन कैश बुक। जो आपकी ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है उसी वही लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹70,000 ड्रॉन एंड एंटर्ड इन द कैश बुक हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। एक ऐसा चेक था जो हमने किसी को इशू किया। हम लोग क्या करते हैं कैश बुक में, जैसे ही चेक इशू करते हैं हम उसकी पेमेंट साइड में दिखा देते हैं, ₹70,000 हमने पेमेंट साइड में दिखा दिए। लेकिन वो चेक जो है 30th अप्रैल 2018 तक वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मतलब जिसको भी हमने चेक दिया था उसने बैंक में से पैसे विड्रॉ नहीं किए, बैंक में पैसे विड्रॉ नहीं किए। इट मीन्स हमारा बैंक बैलेंस जो है क्या हुआ हुआ है, 70,000 से बड़ा हुआ है। हमने अपने आप को कम कर लिया है कैश बुक में लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है। अब बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है तो हमें तो बैंक बैलेंस की तरफ चलना है ना, कैश बुक से हम लेके चल रहे हैं तो हमें बैंक बुक, बैंक पासबुक की तरफ चलना है। बैंक में अगर 70,000 से बढ़ा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 70,000 इंक्रीज कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, फिफ्थ ट्रांजेक्शन है चेक्स अमाउंटिंग टू ₹60,000 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन विच दो एंटर्ड इन द कैश बुक हैव नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। कुछ चेक्स हमें मिले थे वो हमने जाके फौरन बैंक में जमा कर दिए, 60,000 के चेक थे, हमने अपनी डेबिट साइड यानी कि रिसिप्ट साइड में 60,000 से बढ़ा लिया हमने, लेकिन बैंक में वो 30 अप्रैल तक क्रेडिट नहीं हुए, हमारे को क्रेडिट नहीं हुए, अवेलेबल बैलेंस हमारा कम था। हम अब कैश बुक से चल रहे हैं पासबुक की तरफ, तो इस ट्रांजैक्शन से क्या इफ़ेक्ट हुआ, बैंक पासबुक में तो हमारा वो आया ही नहीं ना, बैंक पासबुक तो कम शो कर रहा है। हमने अपनी डेबिट साइड को, हमने अपने रिसिप्ट साइड को इंक्रीज़ कर लिया था बैंक में, जबकि कम है क्योंकि हमारा टारगेट बैंक पासबुक है और बैंक पासबुक में ये 60,000 शो नहीं हो रहे हैं डेबिट क्रेडिट साइड में, तो हम भी इसको माइनस कर देते हैं। हमने इसको 60,000 रुपीज़ को हम माइनस कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शन सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं है, जैसे हम पहले कर रहे थे वही करना है अब भी, सिर्फ से ये पहली ट्रांजैक्शंस में माइनस में दिखाना है, जब फेवरेबल बैलेंस होता था तो हम प्लस में दिखा देते थे, बस एक यही फ़र्क है। और सिर्फ ट्रांजैक्शंस ट्रिकी होती हैं, उनको एक दफ़े आपको समझना है कि इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है और उसके हिसाब से आपने डिसीजन लेना है कि प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, बैंक चार्जेस ₹750 एज पर बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन क्रेडिटेड इन द कैश बुक। कैश बुक में बैंक ने कोई चार्जेस लिए उसको डेबिट कर दिया, बैंक ने चार्जेस लिया, हो सकता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है, ओवरड्राफ्ट के पैसे उसने डेबिट कर दिए, तो इसका कैश बुक में तो पता ही नहीं, बैंक तो बताएगा नहीं अपने आप, जब तक कि आप पासबुक को कंप्लीट नहीं करवाओगे या बैंक स्टेटमेंट नहीं निकालोगे तब तक आपको तो पता नहीं चलेगा। तो बैंक में तो आपका बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस कम हो गया, तो ऐसे में हम क्या करते, इसको हम करते 750 को हम भी माइनस करते, हम भी अपना अवेलेबल बैलेंस कम करते। लेकिन अब इसने कुछ और भी नीचे लिखा हुआ है, दीज बैंक चार्जेस वर रिवर्स्ड बाय द बैंक ऑन 10th अप्रैल। बैंक ने ये चार्जेस लगाए और 10 तारीख को रिवर्स भी कर लिए, मतलब बैंक ने एक तरफ तबाह तो डेबिट किया फिर 10 तारीख को क्रेडिट भी कर लिया उसी महीने में, 30th अप्रैल को हम बना रहे हैं, सेम मंथ में उसने डेबिट और क्रेडिट दोनों कर दिया, तो कुछ भी असर नहीं हुआ और हमने तो अपनी कैश बुक में दिखाया ही नहीं था, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा इस ट्रांजेक्शन का, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। नो एंट्री इन BSR, हम इसकी कोई भी एंट्री BSR में नहीं करोगे क्यों, और आप रिमार्क्स कॉलम में लिख दो सिंस द बैंक चार्जेस वर रिवर्स्ड ऑन 10th नो एंट्री विल बी मेड इन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बस इतना सा। अगर ये ना लिखी होती लाइन तब हम यहाँ पे माइनस करते ₹750 क्योंकि बैंक ने डेबिट कर लिया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, सेवन्थ ट्रांजेक्शन्स को लेते हैं,
Dividends amounting to ₹3,500 have been received directly by the bank and not entered in the cash book. अब बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है, हमारा क्रेडिट कर दिया है, बैंक ने हमारी पासबुक को इंक्रीज कर दिया। यहाँ तो मालूम नहीं था कैश बुक में, तो बैंक के बैलेंस पे हमें चलना है। जो बैंक ने किया है, बैंक का बैलेंस अगर इंक्रीज़ हुआ है तो हम भी इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ हुआ तो हम डिक्रीज़ करेंगे। इस ट्रांजेक्शन्स में बैंक ने 35,000 रुपीज़ का डिविडेंड कलेक्ट किया है, इट मीन्स बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, तो हम अपना बैलेंस बढ़ा लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डायरेक्टली कलेक्टेड लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ये इमटीरियल है, आपकी कोई सेट लैंग्वेज नहीं है कि ऐसा ही लिखना है, बस मेन पॉइंट्स आपके ये हैं, ये आप जो ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है आप वही का वही लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम, 8th ट्रांजेक्शन है, चेक ऑफ ₹10,000 डेटेड 10th May 2018 इशूड टू जोशी एंड कंपनी वॉज डिसऑनर्ड बाय द बैंक बींग पोस्ट डेटेड चेक, इट वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स येट। एक हमने 30th अप्रैल को एक चेक इशू कर दिया जोशी एंड कंपनी को, 10 मई की डेट डाल के, अगले महीने की डेट डाल के दिया कि भाई तुम इसको 10 तारीख के बाद जाके कभी भी अपने अकाउंट में डाल देना। जोशी साहब ने बैंक में पहले ही डाल दिया, तो वो बैंक ने डिसऑनर कर दिया कि भाई अभी तो डेट इसकी आई नहीं, 10th May का चेक है और वो अगर 10th May से पहले अगर आप डाल दोगे तो वो तो फिर बैंक डिसऑनर कर देगा उस चेक को। अब क्या हुआ है, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड, अब हमने कोई एंट्री नहीं करी, क्योंकि हमने इसलिए एंट्री नहीं करी क्योंकि ये अभी था ही नहीं, पोस्ट डेटेड चेक था। अब बैंक बैलेंस पे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि 30th अप्रैल को हम बना रहे हैं, डिसऑनर हुआ है 10th May को, तो इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो इसमें आप रिमार्क्स में नीचे लिख सकते हो, नोट में डाल सकते हो, सिंस द चेक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक नो एंट्री विल बी मेड इन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो सिर्फ हमारी एंट्री, जिसका मतलब इतनी ही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड का, अब हमें नहीं पता कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है, अब हम इन दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। आप ऐसे टोटल कर सकते हो या आप रफ करके फिर देख सकते हो कि कौन सी साइड का टोटल बड़ा है, दोनों साइड वो लिख दो। अभी हमें नहीं पता है तो हम इसको ऐसे ही टोटल कर लेते हैं, ₹1,12,500, और इस साइड का टोटल है 00500 5 और 6 6 10 ₹1,06,500। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो प्लस बैलेंस है वो माइनस बैलेंस से ज्यादा है, इट मीन्स ओवरड्राफ्ट जो हम यहाँ मान के चल रहे थे वो ओवरड्राफ्ट नहीं है, एक्चुअली डेबिट बैलेंस है, वो स्टिल हमारा अभी ज्यादा है क्रेडिट बैलेंस से, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दोनों तरफ पहले तो आप इसको क्लोज कर दीजिए, 112,500 112,500, तो इसका डिफरेंस आएगा 6,000 रुपीज़। 6,000 रुपीज़ हमारा अब ये डेबिट बैलेंस हो गया। अब क्या रह गया तरफ से, बैलेंस एज पर पासबुक, इट मीन्स DRS बनाने से देखिए फायदा हुआ ना, 30th अप्रैल को जो हम सोच रहे थे 45,000 हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ही नहीं, तो 6,000 रुपीज हमारे पास कैश अवेलेबल है अभी। तो स्टूडेंट्स अब हम एक इलस्ट्रेशन और लेंगे, मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 25 सेलेक्ट करी है TS ग्रेवाल की बुक से, पेज नंबर है 12.33। मैं देखता हूँ थोड़ी सी जिसमें ट्रिकी ट्रांजेक्शन हो वो आपको करवाऊँ, आपको अच्छे से समझाऊं, क्योंकि आसान ट्रांजेक्शन तो आप आराम से कर लोगे, डेट आई एम श्योर। तो इसलिए इलस्ट्रेशन नंबर 25 में मुझे 2-3 ट्रांजेक्शन ऐसी लगी हैं, ट्रिकी लगी हैं, मुझे लगा कि मुझे आपको समझाना चाहिए, तो अब हम इस ट्रांजेक्शन को करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25, इसका मैं स्क्रीन शॉट आपके वीडियो पर लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25 TS ग्रेवाल पेज नंबर 12.33 पे। On 31st of March 2018,
द पासबुक ऑफ श्री एम एल गुप्ता शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 41,000। इट मीन्स बैंक की जो पासबुक है वो डेबिट बैलेंस दिखा रही है। इसका मतलब पेमेंट ज़्यादा हुई हुई है, जितना बैंक में कैश अवेलेबल था उससे ज़्यादा पेमेंट हुई हुई है। बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक ये है 41,000। अब हम पासबुक को लेके चल रहे हैं और हमारा टारगेट अब कैशबुक के बैलेंस पे होगा। अगर इन ट्रांजैक्शन से कैशबुक अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर डिक्रीज़ हो रही है कैशबुक तो हम इसको डिक्रीज़ कर देंगे। सबसे पहले तो आप इसको बैंक रिकन्सिलेशन हम किस डेट पे बना रहे हैं ये बना लीजिए। हम बना रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन 31 मार्च 2018 पे। अब मैं पहली ट्रांजेक्शन्स को पढ़ता हूँ। चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 15,600 वर ड्रॉन ऑन 27 मार्च 2018, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ रुपीज़ 11,000 वर एनकैश्ड अप टू 31 मार्च 2018। अब देखिए, हमने चेक इशू किए थे 15,600 के। 15,600 के हम चेक जैसे ही इशू करते हैं क्या करते हैं, हम अपने को हम माइनस कर देते हैं, हम पेमेंट साइड में हम दिखा देते हैं, क्रेडिट साइड में हम कैशबुक के दिखा देते हैं द मोमेंट वी इशू द चेक। लेकिन 31 मार्च तक जो हुए 11,000 रुपये के चेक्स ही प्रेजेंट हुए। इसका मतलब हमने चेक कितने के दिए थे, 15,600 के, और चेक्स प्रेजेंट कितने के हुए, तो 4,600 के चेक्स जो हैं प्रेजेंट ही नहीं हुए 31 मार्च तक। बैलेंस 11,000 के चेक्स प्रेजेंट हो गए, तो हमने अपनी कैश बुक को क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है टोटल 15,600 से। इसमें से 11,000 तो ठीक है बैंक की पासबुक में भी आ गए, 4,600 हमने माइनस किया हुआ है अपनी कैश बुक में, तो हम यहाँ पे भी माइनस कर देंगे 4,600, और क्या लिखेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स लेते हैं। ए रॉन्ग डेबिट ऑफ रुपीज 800 हैज बीन गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक। बैंक ने क्या किया, डेबिट कर दिए हमारे को 800 रुपये गलती से। हमारे को तो कैशबुक में तो कोई इसकी एंट्री नहीं है, कैशबुक का बैलेंस क्या है ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। अब बैंक ने डेबिट किया है, वो भी रॉन्ग डेबिट किया है, और हम उसको फिर ऐड कर देंगे हमारी कैशबुक में, तो ऐड ही है ना ये 800 रुपीज़ आप ऐड कर दीजिए और लिख दीजिए रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक, डेबिट रॉन्ग डेबिट बाय बैंक। क्लियर है, और आगे चलते हैं। थर्ड है, ए चेक ऑफ रुपीज 200 वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, हमारी पासबुक में 200 रुपीज़ क्रेडिट दिखा रहा है, इंक्रीज दिखा रहा है, जो कैशबुक में एंट्री नहीं हुई। हमें तो अब कैशबुक की तरफ आना है ना, तो हम इसको माइनस कर देंगे, हम 200 रुपीज़ बैंक ने क्रेडिट कर दिए, चेक नॉट रिकॉर्डेड इन, चेक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। ठीक है, समझ में आ गया। बैंक ने हमें 200 रुपीज़ का क्रेडिट दिया हुआ था, लेकिन क्योंकि कैशबुक में नहीं था इसकी एंट्री, तो हमने इसलिए इसको माइनस कर दिया, क्योंकि हम इस समय कैशबुक हमारा टारगेट है, कैशबुक की तरफ हमें पहुंचना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स लेते हैं। चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 21,000 वर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट आउट ऑफ दीज चेक्स 7,400 हैव बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 5th of April 2018। चेक 21,000 रुपये के चेक हमें मिले थे, हमने अपनी कैशबुक में इसे ऐड कर दिए,
21,000 के, और बैंक में भी जाके जमा कर दिए। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें चेक मिलता है तो हम उसको फ़ौरन अपने रिसिप्ट साइड में दिखा लेते हैं, और अगर हम किसी को इशू कर रहे हैं तो हम फ़ौरन उसे अपनी पेमेंट साइड में दिखा देते हैं। यहाँ हमने 21,000 के चेक्स हमने अपने रिसिप्ट साइड में दिखा दिए, लेकिन क्या हुआ, 7,400 के जो चेक्स थे वो 5 अप्रैल को, मतलब अगले महीने, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। बाकी तो सारे हो गए, इसलिए हमें डिफरेंस नहीं निकालना है इसका, सिर्फ से इसी अमाउंट का ही हमें एक्शन लेना है। 7,400 हमारे अगले महीने में क्रेडिट हुए हैं, जबकि हमने तो इसको दिखा रखा था ना, हमने ऐड किया हुआ था अपनी कैश बुक में, पूरा ही अमाउंट दिखा रखा था। तो हम यहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे 7,400 और लिख दीजिए चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, सॉरी। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फिफ्थ ट्रांजेक्शन है, ए चेक फॉर ₹1,000 वॉज डिसहॉनर्ड एंड रिटर्न्ड बाय द बैंक एंड वॉज डेबिटेड इन द पासबुक। एक चेक हमने कोई जमा किया होगा ₹1,000 का, जमा करते ही हमने क्या किया, अपने रिसिप्ट साइड में दिखा दिया, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने हमारे को वो डेबिट कर दिया। पेमेंट किसी तरह नहीं आई उसकी, चेक की पेमेंट नहीं आई, लेकिन हमने, क्योंकि उसको हमने ऐड किया हुआ था और अब हमारा टारगेट कैशबुक की तरफ आने का है, तो हम उसको ₹1,000 हम इसमें ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने इस चेक को डिपॉजिट किया हुआ था, हमने अपनी कैशबुक को इनक्रीज़ किया हुआ था, तो हम यहाँ पर भी इनक्रीज़ करेंगे और एंट्री लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, बट डिसऑनर। सिक्स ट्रांजेक्शन्स को लेते हैं, ए बिल रिसीवेबल फॉर ₹1,500 डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑन 28 फरवरी 2018 वाज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2018। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये मालूम है कि डिस्काउंटेड वर्ड क्या होता है, डिस्काउंटेड से क्या मतलब है। इसमें लिखा है ए बिल रिसीवेबल फॉर ₹1,500 डिस्काउंटेड विद द बैंक। ऐसा होता है, ये अभी आपका चैप्टर नंबर 16 है शायद, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि डिस्काउंटेड से क्या मतलब है। ए बिल डिस्काउंटेड बाय द बैंक, इट मीन्स कि यू हैव टेकन मनी फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट ए बिल विच इज़ पेबल, विच इज ड्यू आफ्टर 2 months or 3 months। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पार्टी से ₹10,000 ले लिया, ठीक है, और आफ्टर थ्री मंथ्स बाद इस पार्टी ने आपको लिख के दिया हुआ है कि आफ्टर 3 months इस डेट पे हम आपको ₹10,000 दे देंगे, आपके बिल पे साइन करके दिया हुआ है। अब एक महीने के बाद हमें पैसे की ज़रूरत होती है, हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक को हम दिखाते हैं वो बिल, दिखाते हैं कि भाई हमारे पास ₹10,000 का बिल है, लेकिन अभी इसकी पेमेंट अभी नहीं होगी क्योंकि पार्टी ने 3 महीने बाद देना है। तो बैंक क्या करता है, बैंक उस पेमेंट को खुद दे देता है, ₹10,000 में से बैंक चार्जेस काट लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ₹500 बैंक चार्जेस लगते हैं तो वो आपको ₹9,500 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, और 2 महीने बाद या जब भी ये बिल की पेमेंट डेट ड्यू हो रही है तब ये जाके बैंक उस पार्टी से पैसा लेके आएगा। तो इस केस में बैंक एज एन एजेंट काम करता है, बैंक ने आपको 2 महीने पहले पैसे दे दिए तो बैंक चार्जेस तो लेगा, उसने सीधा आपको ₹9,500 तो वो इमीडिएट दे देगा और 500 उसने अपने चार्जेस ले लिए। अब इसको कहते हैं बिल्स रिसीवेबल विच वॉज डिस्काउंटेड बाय द बैंक। तो इस केस में क्या है, बिल रिसीवेबल था 1500 का विच वॉज डिस्काउंटेड ऑन बाय द बैंक ऑन 28 फरवरी, 28 फरवरी को डिस्काउंटेड कैश उसने दे दिया था ₹1,500, वॉज डिसऑनर्ड ऑन 30 मार्च, 30 तारीख को वो बिल भी डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक को पैसे नहीं मिले और बैंक ने उस अमाउंट को डेबिट भी कर दिया और साथ में ₹500 और भी लगाए बैंक चार्जेस के। जो बैंक ने डेबिट किए चार्जेस
1500 प्लस 500, 2000 रुपीज़ वो कैश बुक को लिखने के टाइम पे नहीं मालूम थे। तो हमारा कैश बुक का बैलेंस 2000 से इंक्रीज़ हुआ हुआ था, तो हम यहाँ पे हम 2000 रुपीज़ इंक्रीज़ कर देंगे। बिल क्या लिखेंगे इसमें, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, ठीक है, 1500 प्लस में 500। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, बैंक चार्जेस भी लिख सकते हो 500, और 1500 का लिख सकते हो बिल डिस्काउंटेड, तो इस तरह भी कर सकते हो, और कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो हमने 2000 रुपीज़ हमने ऐड कर दिए, क्योंकि हमारी कैश बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ था, हमारी कैश बुक में डेबिट बैलेंस इंक्रीज़ हुआ हुआ था। और नेक्स्ट एंट्री लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अमाउंटिंग टू ₹100 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब बैंक ने कोई हमें डेबिट किया, ₹100 ओवरड्राफ्ट चार्जेस लिए हैं, कैश बुक में तो नहीं थे, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ हुआ हुआ था, पासबुक में वो बैलेंस कम हो गया, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ हुआ हुआ था, तो हम इसको ऐड कर देंगे, हम इसको ₹100 से बैंक ओवरड्राफ्ट चार्जेस लिख सकते हो। लास्ट एंट्री है, ए चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इन द कैश बुक वाज ओमिटेड टू बी बैंक्ड। अब इस केस में क्या हुआ, ₹500 का कोई चेक मिला हमें, वो फौरन कैश बुक में एंट्री कर दिया गया, रिसिप्ट साइड में हमने उसे डेबिट साइड में दिखा दिया ₹500, हमने अपना कैश बैलेंस को इंक्रीज़ कर लिया, लेकिन 31 मार्च तक उसको बैंक में जमा करना ही भूल गए। तो हमारा क्योंकि कैश बैलेंस इंक्रीज़ हुआ हुआ था, तो हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे ₹500 से, और लिख देंगे चेक डेबिटेड इन कैश बुक। हमने अपनी कैश बुक को डेबिट कर दिया था बाय ₹500, तो इसलिए हमने, क्योंकि हमारी कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, इसलिए हमने ₹500 यहाँ पे भी बढ़ा दिए। तो अब हमारी सारी एंट्रीज पूरी हो चुकी हैं, अब हम इन दोनों साइड का टोटल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ₹45,800 हमारा माइनस बैलेंस आ रहा है, और इस साइड का भी टोटल करते हैं, ₹11,800 हमारा प्लस बैलेंस आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो माइनस बैलेंस है 45,800 और प्लस बैलेंस है 11,800, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट तो है। अब हम दोनों साइड टोटल कर देते हैं, यही अमाउंट लिख देंगे 45,800, और इस तरफ भी हम लिख देंगे 45,800, और तो 45,800 में से 11,400 आप निकालेंगे तो ये आ रहा है आपका 34,000, एग्जैक्ट 34,000। तो हम लिखेंगे इसमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, क्लियर है। हमारा माइनस साइड का टोटल ज़्यादा है, इट मीन्स ये हमारा ओवरड्राफ्ट से शुरू हुआ था, लेकिन 41,000 नहीं निकला, ये रह गया कम होके 34,000। बैंक में पासबुक में 41,000 दिखा रहा था, और हमारी कैश बुक से आया ये 34,000। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गई होगी। आज हमने दो इलस्ट्रेशंस करी, एक में हमने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक किया, और दूसरी में हमने ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक किया। तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, अगर इन केस अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं देन यू राइट ऑन माई कमेंट बॉक्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सो डैट आपको अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो ठीक है फिर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।